वेलकम टू आरबीबी वर्ल्ड। आरबीबी वर्ल्ड में स्वागत है भाई। तो आज इसके ऊपर है वीडियो, स्टेयरिंग डैम्पर के ऊपर, कि कितना खर्चा हुआ मेरा और कैसे किया आपने जीटी पे इंस्टॉल। तो बने रहो, बोलते हैं, आ जाओ। क्या क्या सामान लगेगा सब कुछ अभी दिखाते हैं वन बाय वन आपको, और कहाँ कहाँ लगाया अभी है वो भी बताते हैं। आ जाओ, आ जाओ। पिटारा खोल रहे हैं, पेंडेरा बॉक्स गलत खोल दिए, ये वाला। तो ये पहले आता है नट, नट से शुरुआत करते हैं। ये टीवीएस का ब्रांड नेम देख लो, टीवीएस का है। एलेंकी बहुत ढूंढे पर एलेंकी तो मिला नहीं। तो ये टीवीएस का बोल्ट आया है, पक्का वाला बोल्ट बोलते हैं इसको। तो ये 100 रुपीज का आ जाएगा आपका। हाँ तो भाई ये 6.5 इंचेस का है, ये हाइट है इसका। तो ये लगेगा यहाँ पर, आ जाओ दिखाते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया है, ये बोल्ट खोल के। ये बोल्ट पूरा का पूरा चेसिस के अंदर जो होल है सेंटर किया हुआ है, ये चेसिस का होल को सेंटर करके ये यहाँ पर फंसाया गया है। और यहाँ पर मतलब वो नीचे से दो बोल्ट इस तरफ, यहाँ पे एक है इसके ऊपर और एक, मतलब दो बोल्ट कस दिया है। तो ये एकदम से लॉक है यहाँ पर ये, और ये गया, ये 100 रुपीज का गया। और दूसरा आया ये अपना जो 220 का है, 220 का ऊपर का टॉप प्लेट जो बोलते हैं वो है। ये 2100 का रुपीज का आता है नया वाला। तो मैंने नया वाला नहीं लिया है, ये पुराना था जो मतलब लोकल के गैरेज से उठाया था मैं। तो इसका मेरा 1000 गिर गया था। तो आखिर में सबको इक्वल करके बताते हैं। तो इसको फिर यहाँ से कट किए थे, यहाँ से पूरा का पूरा कट किए थे और यहाँ से कट किए थे, तब मतलब ये क्लैम बन गया। तो ये इसका क्लैम अब पूरा तरीके से पूरा सेट हो गया। और इसका जो डायमीटर है इसको भी मतलब लेद वर्क में किए थे, मतलब इसको बड़ा किए थे इसके एकदम से फिट हो जाए, इसका जो फॉक है उसके में फिट हो जाए। तो ये यहाँ पे लग गया एकदम पूरा के पूरे से फिट हो जाता है। तो ये यहाँ पे लग गया, और यहाँ पर जो बोल्ट है वो एक 3 इंच का एक बोल्ट है, जो ट्यूबवेल होता है, ट्यूबवेल उसका एक बोल्ट लेके लेद में मतलब होल किए थे पूरा का अंदर से अंदर पूरा। तो वो अब बूस्ट बन गया है, तो ये प्रॉपर काम करता है। तो हाँ तो भाई आपको थोड़ा ये हैंडल का जो टी सेटअप है, टी का प्लेट को थोड़ा यहाँ से घिसना पड़ेगा दोनों साइड से, और इसको बूस्ट जो है यहाँ पर इस बूस्ट को भी थोड़ा घिसना पड़ेगा, उसके बाद ये फ्री हो जाएंगे। देखो तो बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ तो भाई बाकी जो है ये है, इसको अलाइनमेंट करना पड़ता है, मतलब एकदम हैंडल को बीच में एकदम से अलाइनमेंट होके ये मतलब काम करता है। अगर ये यहाँ से आप अलाइनमेंट ना करके लगाओगे तो भी ये मतलब ठीक से प्रॉपर नहीं काम करेगा। तो ये अलाइनमेंट करना पड़ेगा बस, उसके बाद आपका काम ख़त्म। और ये आपका तो 5000 आ गया, तो मतलब करीब करीब 8500 रुपीज़ आपका पूरा का पूरा खर्चा पड़ेगा। तो मतलब पूरा 8500 या 600 आपको खर्चा पड़ेगा। पर आप ज़रूर मतलब ये काम करवाओ, पर कोई अच्छे लेद से करवाना, वरना आपका पैसा नुकसान हो जाएगा या फिर गाड़ी का भी बहुत नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो भाई इन्फॉर्मेशन वीडियो था। तो ये वीडियो यहीं तक था। तो कमेंट करो, लाइक करो और शेयर करो उन जीटी वाले लवर्स को जो जीटी बहुत पसंद करते हैं पर डरते हैं वॉबल से। तो ये अब वॉबल देता नहीं है, मतलब वॉबल होता नहीं है अब मेरे गाड़ी में।